मध्य प्रदेश में शराबबंदी और नशाबंदी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सरकार के बाद अब बीजेपी से अपील की है। उन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा को इस बात के लिए एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मध्य प्रदेश में शराबबंदी और नशाबंदी को सरकार की जिम्मेदारी बताया है। साथ ही उमा भारती ने प्रदेश अध्यक्ष से शराब दुकान पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला अध्यक्षों और विधायकों का सहयोग लेने की भी अपील की है। शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि समाज को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, इसलिए हमें इससे रोकने के बारे में सोचना चाहिए। वर्जित स्थानों पर शराब की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए जिला अध्यक्ष और विधायकों का सहयोग किया जाए। उमा भारती ने विष्णु दत्त शर्मा को पत्र लिखते हुए कहा कि जब से आपने मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है, तब से बीजेपी ने यश सभी ऊंचाइयों को छुआ है। हर तरफ सफलता का जश्न है। मैं आपको बहुत लंबे समय से जानती हूं। आप एक धर्मशील संस्कारवान राजनेता हैं। आपको और शिवराज जी को धन्यवाद में रख कर ही मैं ये पत्र लिख रही हूँ। इस पत्र को इसलिए सार्वजनिक करूंगी क्योंकि इसका सार्वजनिक होना जनहित में जरूरी है। मध्य प्रदेश एक बहुत ही शांतिप्रिय राज्य रहा है। लॉकडाउन के हटने के बाद जब सभी कारोबार खुले तो शराब का कारोबार भी खुला। शराब पीने से बहुत सारे लोग मरे, जबकि कोरोना काल में शराबबंदी के दौरान एक भी मौत शराब पीने से नहीं हुई। इसका मतलब है कि शराब मानवता की दुश्मन है। उमा भारती ने आगे कहा कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि शराब और नशा छोड़ना इसलिए चाहिए क्योंकि समाज को समग्र रूप से स्वस्थ रहने की जरूरत और जिम्मेदारी सरकार की होती है। हम शराब और नशे की कहीं से भी स्वस्थ की दृष्टि से उचित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इसे रोकने के बारे में सोचना होगा। मैं इसको मानती हूँ कि जो राजस्व से सरकार को प्राप्त होता है उसका इस्तेमाल भी कई सरकारी योजनाओं में गरीबों के लिए होता है, इसलिए शराबबंदी और नशाबंदी के लिए चरणबद्ध तरीके और उपाय को अपनाना जरूरी है। उमा भारती ने लिखा कि शराब पीकर समाज के बीच में विचरण करने पर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। दूसरे राज्य से शराब की आवाजाही पर रोक लगानी चाहिए। मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित थाने और चौकियों पर चौकसी होनी चाहिए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे आशा है कि आपके कार्यकाल में मध्य प्रदेश को शराबबंदी नशाबंदी की सफलता का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ उमा भारती के पत्र पर प्रतिक्रिया जाहिर की जाती है। फिलहाल अभी ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़।